नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हमारे देश में हरियाणा की बहुत अहमियत है। फौज में जवान भेजना हो या ओलंपिक में पहलवान, सबसे आगे हरियाणा रहता है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी हरियाणा पहले हमेशा ऊपर रहता था, लेकिन पिछले 10 सालों में हरियाणा की ऐसी की तैसी हो गई। 10 साल की भाजपा सरकार में हो गई, हरियाणा ने खुशहाली से ज्यादा बदहाली के पल देखे हैं। आज के दिन हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.4% तक चली गई है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। इसके नीचे 28% दर पर राजस्थान है, सोचिए दूसरे नंबर वाले से 10% ज्यादा। इतनी बेरोजगारी का मतलब है कि हर 10 हरियाणवी लोगों में से 4 बेरोजगार हैं। 4 साल नौकरी वाली अग्निवीर स्कीम का एक बड़ा कारण भी है ये। इसके अलावा बढ़ता हुआ नशा, किसानों के साथ बुरा बर्ताव, महिला पहलवानों का अपमान, इन जैसे अनेकों मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से हरियाणा की जनता वहां की भाजपा सरकार से बहुत नाराज है। नाराजगी लोकसभा चुनाव में साफ दिखी। 2019 में भाजपा के पास हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीट थी, मगर 2024 में गिनती आधी हो गई। भाजपा ने केवल 5 सीट ही नहीं गंवाई, इसके हक में जो मतदान हुआ वो भी 12% तक गिर गया। लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने जनता की नाराजगी का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए फटाफट कुर्सी से मुख्यमंत्री बदल दिया। खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को ले आए, लेकिन हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है। लोकसभा के नतीजों ने दिखा दिया कि विधानसभा के चुनावों में हरियाणा की जनता भाजपा के कान मरोड़ने वाली है। अब क्योंकि भाजपा ये जानती है कि आगे की डगर बहुत कठिन है, इसलिए वो दोबारा वही करने पर उतर आई है जो चुनाव से पहले वो हमेशा करती रही है, बांटो और राज करो। हरियाणा में फिर हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति शुरू कर दी गई है। राजनीति से पहले घटना को जान लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि हरियाणा में आदमी की जान कितनी सस्ती हो गई है। हरियाणा के चरखी दादरी से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 7 लोगों ने बंगाल के प्रवासी मुसलमान कबाड़ी को पीट पीट कर मार डाला। खबर को कुछ विस्तार से बताता हूं। चरखी दादरी के हंसावास गांव में कुछ झुग्गियां भी हैं। इनमें विभिन्न संप्रदाय के गरीब तबके के लोग रहते हैं, छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करते हैं। बंगाल के 24 परगना जिले से आए साबिर मलिक भी यहीं रहते थे, साथ में बीवी और केवल 2 साल की छोटी सी बेटी भी। खबर फैलाई गई कि झुग्गी में रहने वाले लोग बीफ खा रहे हैं। स्वयं घोषित गो रक्षा दल के लोग वहां पहुंचे, बिना किसी अधिकार के झुग्गी वालों के घरों में जा घुसे, ये जानने के लिए वहां क्या खाया जा रहा है। वैसे पुलिस भी हरकत में आई। साबिर के जीजा सिराजुद्दीन का बयान है कि उनके परिवार को पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार झुग्गी वाले लोगों से खाने का जो सामान मिला उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 2015 में हरियाणा में गौ संवर्धन कानून पास किया गया था। हरियाणा में गाय का वध करना या गाय के मांस को किसी भी कारण के लिए घर में रखना प्रतिबंधित है। अब तक घटना का जितना विवरण मैंने दिया उसमें सब कुछ कानूनी है, पुलिस पूछताछ कर सकती है, खाने के सामान को लैब भेजा जा सकता है। हालांकि किस कानून के तहत खुद को गौ रक्षक कहने वाले लोग किसी के घर में भी घुस सकते हैं, इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ाने की खुली छूट भाजपा सरकार के प्रदेशों में दी जा रही है। परंतु 27 अगस्त को इस बेजा छूट का इस्तेमाल सिर्फ साबिर मलिक के घर में घुसने तक ही नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई के कई घंटों बाद साबिर अली ने अपने कबाड़ी के काम की तलाश में पास के बादरा गांव पहुंचे। साथ में उनका दोस्त असीरुद्दीन भी था। इस दुकान में अभिषेक, मोहित, कमल जी, साहिल और 2 नाबालिग लोग भी बैठे हुए थे और उनके साथ रविंदर भी था। सबने साबिर और उसके साथी को ये कहकर दुकान के अंदर बुलाया कि खाली बोतलें कबाड़ में देनी हैं। जैसे ही वो अंदर घुसे उन्हें बेतहाशा पीटने लगे। पीटने का कारण मुसलमान होना और बीफ खाने पर केवल शक होना था। दोनों कहते रहे उन्होंने कोई बीफ नहीं खाया, मारने वाले नहीं माने। असीरुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन साबिर को 7 मुजरिम साथ के भाड़वा गांव में ले गए, जहां उसको इतना मारा और इतनी देर तक मारा कि साबिर मर गया।
मैं सिर्फ एक लाइन में भी बता सकता था, बीफ खाने के शक पर एक गरीब मुसलमान को मार दिया गया, मगर घटना विस्तार से बताना जरूरी थी क्योंकि मरने वाले की बीवी थी, एक दो साल की मासूम बेटी थी। मारने वाले को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, और सोचिए कितना ज्यादा और कितना लंबा दर्द मरने वाले ने झेला होगा कि एक हद के बाद वो सह नहीं पाया और उसकी जान निकल गई। ये जान आज मुसलमान की गई है। कुछ साल पहले पालघर में दो हिंदुओं साधुओं की भी गई थी, जिन्हें बच्चा चोर कहकर बोलकर मार दिया गया था। पिछले महीने में ऐसी ही एक मासूम जान कोलकाता के अस्पताल में भी गई थी, क्योंकि हर मासूम इंसान की जान जाने का पीछे का कारण अपराधी का हौसला है। उसे लगता है उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं होगा, पुलिस तो पकड़ लेगी। चरखी दादरी में भी सात मुजरिमों को पकड़ लिया गया है, मगर सजा और इंसाफ शायद ही होगा। इस देश में ये प्रचलन सामने आ ही रहा है। बनारस में एक घटना हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लड़कों ने एक छात्रा का, बीएचयू की छात्रा को नग्न करके उसका वीडियो बनाया, बसलूकी की और बाद में मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने चले गए। बहुत हंगामा होने पर गिरफ्तार किए गए, लेकिन पैरवी ऐसी की गई कि कुछ महीनों में छोड़ दिए गए। इंसाफ का ये हाल है, लेकिन उमर खालिद आज भी जेल में है, चार सालों से उसकी जमानत नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि इस इंसाफ के इस चौकट पर साबिर की मौत बस सत्ता की रोटियों तक सीमित रह जाएगी। आपको भी लगेगा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह बयान सुनेंगे। ध्यान से देखिए ये 40 सेकंड। नहीं देखिए, ऐसा आप माउ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आखिर वाक्य में घटना को दुखद बताया, लेकिन उससे पहले क्या बोले उसमें तीन बातें गौर करने लायक हैं। बात नंबर एक, सैनी जी कह रहे हैं कि घटना को मॉब लिंचिंग मत बोलिए। जब सात लोग एक आदमी को पीट पीट कर मार डाले तो कानून में ही उसे मॉब लिंचिंग ही बोलते हैं। हाँ सैनी, एक राजनेता के गणित में वो बस एक दुखद घटना है, आप जैसे आदमी के लिए एक दुखद घटना है। बात नंबर दो, सैनी जी ने कहा कि जब भी गौ माता के साथ ऐसे हालात कर रहे हैं, ये लोगों को पता चलता है। गौर से देखिए, अब तक लैब रिपोर्ट के नतीजे नहीं आए हैं कि खाया गया सामान बीफ था या कुछ और। पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सैनी साहब ने फैसला सुना दिया। उन्होंने मान लिया कि गौ माता के साथ कुछ गलत हुआ ही था। अगर प्रदेश और पुलिस का मुखिया इस तरह के प्रेजुडिस माइंड के साथ बैठा है, इन्वेस्टिगेशन से पहले फैसला सुना देता है कि गौ माता को मारा गया था, फिर उस प्रदेश में साबिर को कहां इंसाफ मिलेगा। और अगर आपको साबिर की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में किसी पर्सनल साजिश को गौ हत्या का झांसा देकर कोई समीर भी मारा जा सकता है। सबसे जरूरी बात नंबर तीन, सैनी जी खुद कह रहे हैं कि गांव में रहने वाले वो लोग जिनमें गाय के लिए श्रद्धा है, उन्हें जब कुछ पता चलता है तो फिर उन्हें रोका नहीं जा सकता। अपराधियों द्वारा किए गए कृत्य पर सरकारी रजामंदी की इससे बड़ी और इससे जबरदस्त मोहर लग नहीं सकती। मुख्यमंत्री ने 2015 के गौ माता संवर्धन कानून की बात की। उस कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि शक होने पर या यकीन होने पर भी कि गौ हत्या हुई है, कुछ इंसान मिलकर किसी दूसरे इंसान की हत्या कर सकते हैं। गिरफ्तार करने की पावर पुलिस को है और सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी इंसान के कत्ल के बाद अगर ये कहता है कि कत्ल करने वालों ने श्रद्धा में आके ऐसे किया, उन्हें रोका नहीं जा सकता और इसे मॉब लिंचिंग ना कहें, तो ऐसा मुख्यमंत्री राजनीति के लिए नफरत के बीज बो रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को कलंकित कर रहा है। खुद को गौ माता का रक्षक दिखाकर भाजपा हिंदुओं के वोट एक तरफा जीतना चाहती है, मगर भाजपा और नायब सिंह सैनी कितने भी बड़े गौ रक्षक और गौ माता समर्थक हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म तो ये नहीं कहता कि अगर गाय बीमार हो गई हो तो उसे मार दिया जाए, मगर हरियाणा में भाजपा का लाया गौ संवर्धन कानून ये इजाजत देता है। कानून के सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के हिसाब से अगर किसी गाय की तकलीफ असहनीय है तो उसे मारा जा सकता है, अगर उसे कोई फैलने वाली बीमारी है तो भी मारा जा सकता है, और किसी तरह के मेडिकल रिसर्च के लिए भी ऐसा किया जा सकता है।
यहाँ मेरा सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि बीमार गाय का दर्द असहनीय है? गाय तो बताएगी नहीं, दर्द में तड़पती हुई गाय को मारना पड़े उसके बजाय वो उच्च कोटि के पशु अस्पताल क्यों ना बनाए दिए जाएं ताकि वो कभी ऐसे दर्द में ना पहुंचे। मगर हरियाणा में या भाजपा के किसी भी प्रदेश के गाँव में तो छोड़िए, जिले में भी ऐसा अस्पताल नहीं है। और आगे देखिए, मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में मरी हुई गाय की खाल निकालने की अनुमति नहीं है। हमारे बाप दादा के जमाने में भी कई लोगों से सुना है कि गाय और बैल घर का हिस्सा होते थे। अगर अपनी प्राकृतिक मौत के बाद उनको मर जाते थे तो उनको खेत में दबा दिया जाता था। लेकिन भाजपा के कानून को देखिए, इस कानून के सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि वो मरी हुई गाय जिसे जानबूझकर मारा नहीं गया है, अगर ऐसी गाय की खाल उतारी जाती है तो उसे गौ हत्या में नहीं गिना जाएगा। यह भी लिखा है कि उसके लिए परमिशन लेनी होगी। मगर ये कैसा धर्म का पालन, ये कैसा कानून है जिसमें सिर्फ दूध देने वाली गाय का सम्मान है, बीमार गाय का नहीं है और मरी हुई गाय का तो बिल्कुल नहीं है। गाय की गौ माता, पुराने जमाने में गौशाला का मतलब यह होता था कि जहाँ पर बीमार गाय की सेवा की जाए। लेकिन आज आप हरियाणा का उत्तर भारत के किसी भी गौशाला में चले जाइए, बीमार गाय से ज़्यादा वहाँ दूध देने वाली गाय हैं। अभी सावन के मौसम में जगह जगह गौशाला में बना घेवर बिक रहा था, मतलब गौशाला में सेवा कम और मेवा ज्यादा है। धर्म के नाम पर धांधली अभी और देखिए। 2015 का कानून गौवंश की बात करता है, यानी गाय के बच्चे। गाय का बच्चा तो बछड़ा भी है जो बड़ा होकर बैल बनता है। पहले खेतों में बैल दिखते थे, अब वहाँ ट्रैक्टर हैं। लेकिन गाय ने तो बछड़ा देना बंद नहीं किया है, बछड़े पैदा तो हो रहे हैं मगर ना घरों में और ना गौशाला में बैल हैं, गौशाला में सिर्फ गाय हैं। तो फिर बछड़े और बैल कहाँ हैं? उन्हें बचाने के लिए भाजपा की हरियाणा सरकार ने क्या किया? सिर्फ भगवा झंडा लहराकर गौ माता की जय बोलने के अलावा और क्या किया? सब हिंदू भाइयों और बहनों से निवेदन है, जो सच में गाय को माता की नज़र से देखते हैं वो भाजपा से ये सब सवाल पूछे। कुछ अपराधियों द्वारा किसी इंसान का खून कर देना और फिर मुख्यमंत्री का घुमा फिरा कर बचाव में आ जाना, नफरत फैला कर धर्म की राजनीति करना हो सकता है, गौ रक्षा तो बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने रहन सहन से हरियाणा से मेल खाता है, बहुत सारे हरियाणवी ही मिलकर दिल्ली NCR में बसे हुए हैं। इसलिए हरियाणा का चुनाव सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये एक सोच का, एक विचार का चुनाव है। एक तरफ हिंदू मुसलमान और जात पात की राजनीति वाली सोच और दूसरी तरफ छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की सोच, किसानों के MSP की सोच, युवाओं के रोजगार की सोच। 5 अक्टूबर के चुनाव आने में अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है। भाजपा के धर्म की राजनीति के हथकंडे जोरों पर हैं। 2 लड़कियों का बलात्कार करने वाला बाबा राम रहीम 2017 से 20 साल की जेल काट रहा है, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बलात्कारी को पिछले 7 सालों में 10 बार जेल से बाहर निकाला, कभी पैरोल के नाम पर और कभी किसी और नाम पर। अभी चुनाव का माहौल है तो फिर ये बलात्कारी जेल से बाहर है 13 अगस्त से 21 दिन के लिए। ये बाहर आकर, जेल से बाहर आकर इसलिए साजिश कर रहा है ताकि धर्म के नाम पर ये वोटों को बांट सके और भाजपा को जिता सके। अब सोचिए, एक तरफ भाजपा बंगाल के डॉक्टर रेप केस में मगरमच्छी आंसू बहाती है और दूसरी तरफ हरियाणा में वोट की राजनीति की तिकड़म बिठाने के लिए क्या क्या करती है, राम रहीम जैसे आदमी को सपोर्ट करती है, अपनी सुविधा अनुसार एक रेपिस्ट को मनमर्जी तरीके से जेल से बाहर निकालती रहती है। पिछले 7 सालों में ये फर्जी बाबा 255 दिन जेल से बाहर रहा है। इस तरह आने वाले 1 महीने में शायद नूह में दंगे फैलाने और मर्डर का दोषी मोनू मानेसर भी बाहर आ जाए। हो सकता है कि गौ रक्षा के नाम पर कुछ और घटनाएं हो जाएं। मगर मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन ये तो सही है कि हिंदू सोया हुआ जरूर है, क्योंकि जिस दिन हिंदू अपने हक के लिए जागेगा, सरकार से बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के सवाल पूछने लगेगा, तब हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वालों की जरूर नौकरी खतरे में आ जाएगी, उनकी खाट खड़ी हो जाएगी। मैं अपने हरियाणा के भाई बहनों को नहीं बता रहा कि वो किसे वोट दें और किसे नहीं दें, वो उनका हक है, वो जिसे भी दें। बस ये कह रहा हूँ, ये सोचकर जरूर दें कि जिसे वो जिताना चाहते हैं उसने आज तक आपके लिए, आपके घर और बच्चों के लिए क्या किया, आगे क्या करने वाला है, या सिर्फ आपको कभी गाय माता के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाने वाला है। ये सवाल जब पूछे जाएंगे तभी सही जवाब मिलेंगे और तभी आपको सही सरकार मिलेगी। अगर मेरी बात से सहमत हों तो इस संदेश को अपने दोस्तों को जरूर भेजें, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।